केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ये क्या हुआ? लोगों ने रैली से किया किनारा, खाली पड़ी रही कुर्सियां। खाली कुर्सियां देख हेलीकॉप्टर से नहीं उतरी अनुप्रिया पटेल। वायरल वीडियो देख सपाइयों ने ली बीजेपी से चुटकी। कहा यूपी में सियासी खदेड़ा का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अब तक तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने का दावा किया जाता था, लेकिन अब एक वीडियो को साझा कर सपा के नेता खदेड़ा का सबूत पेश कर रहे हैं और बीजेपी को जमकर घेर रहे हैं। सपा नेताओं और तमाम विरोधियों की तरफ से एक वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है और वीडियो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की एक रैली का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल रैली करने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोगों ने रैली से किनारा कर लिया और हेलीकॉप्टर से पहुंची अनुप्रिया पटेल ने जब खाली कुर्सियों को देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। आधे घंटे तक हेलीकॉप्टर में ही बैठी रही, उससे बाहर ही नहीं निकली। खाली कुर्सियों को देख अनुप्रिया पटेल जहां रैली के आयोजकों से नाराज दिखी, तो वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर भी जमकर गुस्सा निकाला। दावा किया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को भी उम्मीद नहीं थी कि रैली स्थल पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए कि वीडियो को वायरल करने वाला शख्स क्या कहता है। तो भाई लोग हेलीकॉप्टर से आए, भी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। तो भाई लोग हेलीकॉप्टर से आए, भी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे हुए, आधे घंटे हो गया हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ, सब यहीं पे पूरे कुर्सी खाली पड़ी हुई है। वायरल वीडियो पर सपा नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है और सपा नेताओं का कहना है कि जो बीजेपी बढ़त का दावा करती थी उसकी हवा ये वीडियो निकाल देता है। साथ ही जो अनुप्रिया पटेल अब तक सपा गठबंधन उम्मीदवार पल्लवी पटेल के खिलाफ प्रचार कर रही थी, उनका घमंड इस वीडियो में चूर चूर होता दिख रहा है। हालांकि ये वीडियो अनुप्रिया पटेल का है या नहीं, इसकी सच्चाई पर मीडिया हलचल बिल्कुल भी मोहर नहीं लगाता है और ना ही मीडिया हलचल ये दावा करता है ये वीडियो सच है। लेकिन वीडियो को साझा कर जमकर सियासी माइलेज लिया जा रहा है और बीजेपी अनुप्रिया पटेल पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।